हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करंट अकाउंट को डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से हिडन चार्जेस देने होते हैं, इसके अलावा इसमें कौन सा डेबिट कार्ड आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो सब कुछ इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये पूरा वीडियो मैंने बहुत ही स्टडी करके बनाया है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इस अकाउंट्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि ये एक करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट में आप लोगों को कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर नहीं करता है, जबकि सेविंग्स अकाउंट में आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा अगर हम इसके एवरेज मंथली बैलेंस की बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों को 5,000 रुपये मेंटेन करना होता है इस करंट अकाउंट में, वो चाहे रूरल हो, चाहे तो सेमी अर्बन हो, चाहे तो मेट्रो सिटी हो। अब अगर आप इस अमाउंट को मेंटेन नहीं करते हैं अपने अकाउंट में, तो उस केस में आप लोगों को 500 रुपये प्लस GST मंथली चार्ज देना होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। इसके अलावा इस अकाउंट में आप लोगों को 50 पेज का एक चेकबुक प्रोवाइड किया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से। अब इसके अलावा अगर आप एडिशनल चेकबुक लेना चाहते हो, जैसे कि आपने एक चेकबुक लिया और वो मंथली में ही आपने उस चेकबुक को एकदम फिनिश कर दिया, और अगर आप एडिशनल चेकबुक लेना चाहते हो, तो उस केस में आप लोगों को 75 रुपीज देना होगा 25 लीफ के चेकबुक को, यानी कि 25 पेज का अगर आप चेकबुक लेते हो, तो उस केस में आप लोगों को 75 रुपीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देना होगा। इसके अलावा इसमें NEFT और RTGS बिल्कुल फ्री होता है। यहाँ पर आप लोगों को NEFT और RTGS पर 1 रुपये भी नहीं देना होता है। अब इसके अलावा अगर हम कैश डिपॉजिट की बात करें, तो यहाँ पर आप 5,00,000 रुपये तक कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, और अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो पर 1,000 के ऊपर आप लोग को 0.75 पैसे चार्ज देना होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप अपना अकाउंट दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करवाते हो, तो यहाँ पर आप लोगों से 1 भी रुपया नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री में आपका अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे ब्रांच में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि RTGS NEFT इस अकाउंट में बिल्कुल फ्री दिया गया है, लेकिन यहां पर RTGS और NEFT कब फ्री दिया गया है, जब आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए या फिर मोबाइल बैंकिंग के जरिए RTGS NEFT करते हैं। तो अगर आप ब्रांच के जरिए NEFT RTGS करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को चार्ज देना होगा। और इसके अलावा अगर हम SMS चार्जेस की बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों को 1 भी रुपया SMS चार्ज नहीं देना होता है। और इसके साथ साथ अगर हम डेबिट कार्ड की बात करें, तो इस अकाउंट में आप लोगों को प्राइड बिजनेस डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, और इस अकाउंट्स को चलाने के लिए आप लोगों को सालाना 550 रुपये प्लस GST देना होता है अपने करंट अकाउंट के ऊपर। और इसके अलावा अगर आप इस करंट अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हो, तो मैं यहां पर एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जब आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाता है, उसके 14 दिन के अंदर अगर आप इस करंट अकाउंट को क्लोज करवाते हो, तो उस केस में आप लोगों को 1 रुपये भी नहीं देना होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप 14 दिन के बाद में इस अकाउंट को क्लोज करवाते हो, तो उस केस में आप लोगों को 1,000 रुपीज प्लस GST देना होता है अपने करंट अकाउंट क्लोज करवाने के लिए। तो इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।